And that was a requested गाना जो कि किसी ने request किया था हमसे legal hours से पहले, तो हमने सोचा चलें ये segment शुरू करने से पहले लगा देते हैं आपका requested गाना दम मारो दम, and people really enjoyed that. And these are just evergreen melodies जो कि कभी भी पुरानी नहीं होती हैं, and I'm glad you enjoyed it. और चलें जी अब हम शुरू करते हैं अपना अगला segment. आप सुन रहे हैं Funasia Radio 700 AM, bringing the community together with your mezban Uruj Saeed. And Wednesday के दिन होता है हमारा 8:40 onwards RJ in focus. जैसा कि हमने आपको बताया था शुरू में इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, आज एक खास आरजे हैं हमारे जो कि आपने इनकी आवाज फनेशिया रेडियो पर पहले नहीं सुनी लेकिन आज से सुनेंगे. ही इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग इन द 10 टू 12 o'clock जो कि 10 बजे से जो सेगमेंट होता था, जो अभी तक आप हमारे पसंद के गाने सुनते थे, इसमें आज शुरू करने वाले हैं. चलें जी इनका आपको हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन्हीं की जबानी देते हैं. हैं यहां पर मिस्टर अनिल आप्टे, लेट्स वेलकम हिम. नमस्कार. नमस्कार दोस्तों. नमस्कार उरुज बहन जी. कैसे हैं जी? बस ठीक हूँ दोस्तों. आपने मेरी आवाज दूसरे रेडियो स्टेशन पे सुनी है और ये मेरा सौभाग्य है कि आज फनेशिया पे आप मेरी आवाज सुनेंगे. और हमारा सौभाग्य है कि आपने जो है हमें ज्वाइन किया. अनिल साहब जो है लाइक आई सेड 10 से 12 बजे तक का सेगमेंट करेंगे. दिस टाइम स्लॉट फ्रॉम 10 टू 12 ही इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग टुडे. और हमने सोचा कि यू नो व्हाट बेटर आरजे इन फोकस देन हिम बिकॉज ही इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग आउट टुडे. तो थोड़ा सा जो है वो लोगों को इंट्रोडक्शन इनका हम देंगे, इन्हीं की जबानी सुनेंगे इनकी कहानी, और फिर उसके बाद जो है हम जब 10 बजे उड़ा के ले जाएंगे अपना उड़न खटोला, उसके बाद जो है आप इनको सुनते रहिएगा 10 से 12 बजे तक. एंड स्वागत है अनिल साहब. नाउ टेल मी, अनिल या अनिल? अनिल, ए एन यू एल. अनिल, अनिल यानी अग्नि, अनिल यानी पवन, वायु. अच्छा. तो सूरज की जो किरणें होती है उनका एक संस्कृत में भी नाम कहा जाता है अनिल. और अनिल का मतलब है अग्नि. दैट मीन्स अग्नि सबसे प्योर होता है. तो मेरे पिताजी जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे. उन्होंने शांति निकेतन में अपनी शिक्षा पूर्ण की थी. और हमारे तीनों भाइयों के नाम उन्होंने बंगाली नाम रखे हैं, अतुल, अमल और अनिल. तो असली नाम है अतुलेंद्र, अमलेंद्र और अनिलेंद्र. तो मैं अनिलेंद्र हूँ लेकिन शॉर्ट फॉर्म है अनिल. अच्छा. हाँ, बिकॉज आई मीन वो सुनने में नहीं आता ये नाम, यू नो. अनिल सुनते हैं तो हम सोचते हैं अनिल है, यू नो. तो अनिल आपको जो है वो बुला रहे थे, और मैं तो जस्ट आसानी के लिए मैं आप्टे साहब, दैट्स व्हाट आई वाज कॉलिंग हिम. पर ज्वाइन करेंगे आज ये हमारी फनेशिया की टीम, और 10 से 12 बजे तक आप सुन पाएंगे इनको मंडे थ्रू फ्राइडे. और कुछ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अनिल साहब, बताइए हमें. हम यूजली क्या करते हैं इस सेगमेंट में कि हम अपनी जो है आरजे कि कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं अपने लिसनर्स के साथ, तो कुछ बताएंगे शुरुआत. आप हैं कहाँ से? मैं पुणे में पैदा हुआ, पुणे जो महाराष्ट्र में है. और मुझे लगता है कि पुणे हमारे सब श्रोतागण को मालूम होगा, एक बहुत ही अच्छा शहर है. हिंदुस्तान में उसे विद्या का घर माना जाता है. बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है. और पुणे बहुत इतिहास में भी अगर आप देखें तो बहुत मशहूर शहर है. क्योंकि पुणे की खासियत है कि एक जो मराठी बोली जाती है वो शुद्ध मराठी जो होती है वो पुणे से होती है. कैसा कहा है? हाँ, फार छान. मुझे जो है जो दो तीन वर्ड्स आते हैं किसी भी जबान में जब मेंशन होती है वो जबान, तो यू नो आई हैव टू ऑफ कोर्स यू नो यूज दैट लैंग्वेज. तो अच्छा, तो मराठी बोली जाती है पुणे में, महाराष्ट्र में. पुणे हो गया अब तो? पुणे पुणे हो गया अब तो? पुणे हो गया. पहला नाम था पुण्यपत्तन. पुण्यपत्तन, पुण्यपत्तन यानी जो लोग पुण्य करते थे वो लोग वहां रहा करते थे पुराने जमाने में. धन्य है साहब. यानी कि बाकी सारे जो है वो पापी हैं और सिर्फ जो है सारे पुण्य करने वाले पहुंच गए हैं पुणे. अच्छा, तो पुण्यपत्र. हाँ, काल के अनुसार उसका नाम पुण्यपत्तन से बदलते हुए पुनकवड़ी हो गया. पुनकवड़ी से आजकल पुणे बन गया. जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पूरे भारत का नक्शा और नकाशा कुछ कहे मैप राइट और हिंदुस्तान के सब शहरों के नाम बदल डाले, तो पुणे का पुणे हो गया. तो महाराष्ट्र पुणे से जो है जो जन्म आपका पुणे में हुआ, फिर मतलब वहीं रहे इंडिया में पले बड़े. वही मैंने बीकॉम किया.
और उसी समय हुआ ऐसे कि कुछ अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, इसलिए जो युवा वाणी नाम का एक प्रोग्राम था तो ऑल इंडिया रेडियो पे मैंने ज्वाइन कर दिया और यूथ प्रोग्राम सादर करता रहा वहाँ। अच्छा। हाँ। और बचपन में हुआ ऐसे, मेरी माँ जो थी वो डीवी पुलस्कर साहब की शिष्या रही, तो घर में गाना बचपन से चलता रहा और 6-7 की उम्र में माँ ने राग यमन कल्याण से गाना सिखाना शुरू कर दिया। और उस समय तो कुछ समझ में नहीं आता था, झगड़ा करता था, लेकिन माँ बोलती थी मेरी बात सुन, अगली जिंदगी में यही तुम्हें काम आएगा। तो वो जमाना ऐसा था ना कि बिना का गीतमाला, विविध भारती, ये सुनने तो ये सुनने के लिए हमें मना था घर में। अच्छा। क्योंकि हमारे पिताजी बोलते थे नहीं, ये गाने आपने नहीं सुनने। अच्छा। जो असली गाना है वो अभी सीखो, बाकी ये गाने जिंदगी भर बाद में सुनते रहोगे। अच्छा। तो जो है वो मतलब शास्त्रीय संगीत कह सकते हैं आपने सीखा? अच्छा। क्योंकि उनका ये कहना था कि शास्त्रीय संगीत की नींव डाल दो ना, तो बाकी उसके ऊपर दुनिया का कोई भी गाना आपको आगे सुनने को मिलेगा, समझने को आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा संदेशा था। तो बाद में अचानक मेरी माँ और पिताजी के चल बसने के बाद मैंने 2 बहुत ही डिफिकल्ट साज सीखने की कोशिश की, एक है वायलिन और दूसरा है सरोद। अच्छा। सरोद वाद्य तो अफगानिस्तान से है उसका मूल, और सरोद के ऊपर फ्रेट्स नहीं होते, तो आपको सुर में ऐसा ही पक्का होना चाहिए ना कि जो फ्रेट्स नहीं होते, तो आपको स्वर जो पैदा करना है या सुर जो पैदा करना है वो सही होना चाहिए। व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज दिस? एक तो वायलिन आपने कहा, दूसरा जो था ये सरोद। सरोद। अच्छा, व्हाट इज इट? सरोद एक क्या होता है कि इट इज कार्व्ड आउट इन वुड। दोस्तों मुझे माफ कीजिए, मैं इतनी हिंदी जो बोल रहा हूँ वो फ्लुएंट नहीं है, जैसे उरुज बहन बोलते हैं हिंदी, हमारी हिंदी शुद्ध है और आपकी अशुद्ध है। ये तो जो है वो घोर अन्याय है, घोर। अभी जो है मुझे बड़ा मजा आता है एक्चुअली ना समरी, अगर कोई हिंदी स्पीकिंग मिल जाए तो ब्रशअप अपनी हिंदी करने के लिए, बिकॉज हमने भी पढ़ी हिंदी है लेकिन फिर ऑब्वियसली यू नो इस्तेमाल नहीं हुई है, तो फिर क्या है कि आपकी हिंदी जो मध्य प्रदेश की है जो, तो मिठाई वाली हिंदी है कि मावा बाटी वाली हिंदी है? बिल्कुल, एमपी यूपी की तरफ की जो है वो हिंदी उर्दू है जो भाषा होती है वहाँ की। तो सरोद एक इट इज कार्ड आउट इन वुड, और उसका जो फिंगरबोर्ड होता है वो स्टेनलेस स्टील के प्लेटिंग वाला होता है। अच्छा। और जो जहाँ हम स्ट्राइक करते हैं वो जो तबली बोलते हैं किसी साज की, वो उसको चमड़ा होता है। तो जो स्ट्राइकर होता है वो कोकोनट शेल से बनाया हुआ होता है। ओके। तो हमारा कोई भी हिंदुस्तानी संगीत का साज लीजिए ना, इट इज कंसिडर्ड टू बी फ्रेंडली विथ नेचर। ओके। देखिए, हु वुड हैव थॉट ऑफ मेकिंग अ स्ट्राइकर आउट ऑफ कोकोनट शेल? नॉर्मली वी थ्रो इट अवे। बट हमारे जो संगीतकार है, जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे संगीत के, उन्होंने कितने दूर की सोची और हमें ये ऐसे साज हमारे पास है आजकल। सितार जो है तो वो तो अमीर खुसरो साहब से आई है साथ में, तो सरोद भी अफगानिस्तान से आए, जैसे समोसा जो आजकल लोगों के, माफ कीजिए मैं खाना और गाना वाला आदमी हूँ। Who isn't? तो जैसे समोसा भी दुनिया को अफगानिस्तान ने दिया है ना। अच्छा। तो उस्ताद बड़ी गुलाम अली खां अफगानिस्तान ने दिया है। तो ऐसे संगीत से शुरुआत है और करीबन 20 साल तक सरोज के ऊपर मैंने सीखने की कोशिश की, बहुत अच्छे गुरु मिले और गुरु के सिवा कुछ हो नहीं सकता ना। अच्छा, बिल्कुल। तो सरोद के ऊपर आपने जो है वो प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद वायलिन, फिर आपने कहा कि ये दीज आर द मेन टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू बेसिकली यूज्ड, एंड उसके ऊपर जो थी वो, और ऑल इंडिया रेडियो में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो कुछ बताएंगे? हाँ, वो एक पुराना जमाना था, अब तो बहुत सारे नए रेडियो स्टेशन हो गए हैं, लेकिन उस जमाना था कि इट वॉज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो खाली एक ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन हुआ करता था, लेकिन बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग वहां मिली, और आवाज का मॉड्यूलेशन कैसे होना चाहिए, कोई भी प्रोग्राम तैयार करने की तैयारी कैसे होनी चाहिए, वो बहुत अच्छा सीखा। एंड आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, आई एम यंग स्टिल बट एट दैट टाइम।
राइट पर अच्छा तो चले आपका जो था वो एक्सपीरियंस ये जो है ना स्पेशली अबाउट द रेडियो वी लव टू हियर मोर अबाउट दैट एंड अभी थोड़ी देर में हो जाएगी ब्रेक और इन्होंने हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम अपने आरजे इन फोकस से कहते हैं कि अपने जो है कुछ फेवरेट गाने हमें बता दें तो इन्होंने जितने भी गाने बताए ये हमारे सिस्टम में तो नहीं है लेकिन ये खुद ही लेके आएंगे अपने गाने क्योंकि जो है सारी वो जो है दिस दोज आर ऑल वेरी क्लासिकल पीसेस एंड ऑफ कोर्स यू कैन एंजॉय दोज इन हिज शो जो कि आज से शुरू होने वाला है 10 बजे हमारे बाद जो है वो अनल साहब होंगे अनल आप्टे साहब जो कि प्रोग्राम करेंगे 10 से 12 बजे तक मंडे थ्रू फ्राइडे राइट हियर ऑन फनीशिया रेडियो 700 AM अगर आपको स्वागत करना हो अनल साहब का तो विल टेक योर कॉल आफ्टर द ब्रेक एट 214-751-7700 आई एम श्योर यू नो लोगों को जो है वो आवाज तो आपकी जाहिर सुनी हुई है ऑन यू नो द रेडियो वेव्स एयर वेव्स हियर बट ऑफकोर्स फनीशिया रेडियो पर पहली बार आ रहे हैं अनल साहब और स्वागत है उनका और चलें एक जो है उन्होंने गाना बताया विच वॉज नॉट वेरी इम्पॉसिबल टू फाइंड फिल्मी गाना था तो हमने कहा चलें जो है इनका एक फेवरेट ट्रैक तो हम कम अज कम लगा ही सकते हैं और ये सुनिए आप एंड विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक विल टेक योर कॉल्स एज वेल और कुछ और बातें करेंगे अपने आरजे इन फोकस मिस्टर अनल आप्टे से चेहरा है या चांद खिला है जुल्फ घनेरी शाम है क्या सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या चेहरा है या चांद खिला है गुल्फ घनेरी शाम क्या सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम क्या अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे खाब ये दिल India Bazaar is holding its annual 4th of July long सुन रहे हैं आप फनीशिया रेडियो 700 AM ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर मैं हूं आपकी मेजबान उरूज सईद और मेजबान को हिंदी में क्या कहते हैं अनल साहब आज तो मुझे जरा शुद्ध हिंदी में का जो है वो यू नो उपयोग करना चाहिए मेजबान यानी यजमान यजमान और जो गेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं अतिथि या मेहमान अतिथि अतिथि तुम कब जाओगे अभी हम नहीं 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 ये तो आ गए हैं और रहेंगे 12 बजे तक क्योंकि जो है वो 10 से 12 बजे तक आप इनका प्रोग्राम आज सुनेंगे अमेरिकन इंग्लिश में एक कहावत है आपको मालूम है द फिश एंड द गेस्ट स्टिंक आफ्टर 3 डेज मछली और मेहमान में से 3 दिन के बाद हाँ वो आने लगती है पर ये जो है वो मेहमान सिर्फ हमारे शो पर हैं और 10 बजे के बाद आप इनको सुनेंगे ये खुद मेजबानी अपने शो की करेंगे 10 से 12 बजे तक 700 AM पर रोज सुन पाएंगे आप इनको मंडे थ्रू फ्राइडे समबडी हैड समथिंग इंटरेस्टिंग टू से अबाउट जब आपकी आवाज सुनी तो उनको लेते हैं ऑन द एयर और पूछते हैं कि क्या महसूस किया उन्होंने जी गुड मॉर्निंग हाउ आर यू
I'm good, thanks, Uruj. And first of all, hearty welcome, Anul Apte Sahab. Aur jab Uruj aapki introduction de rahi thi, and you came on air, I thought, oh, he sounds like Kamal Hassan. And then she went on air and played one of your tracks, which was Sagar. So I just called to say, what a coincidence. Dekho. And what a compliment. Thank you so much for that. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. कौन से शब्दों में आपका आभार मानूं, मैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ही बड़ी कॉम्प्लीमेंट आपने दे दी है. My pleasure, sir. And coincidentally, you know, Pune is our favorite city in the whole world. We started our married life in Pune, and when anybody from Pune, it's like, you know, wow, it's a bonus, you know. Pune rocks. All right. Yeah, Pune rocks. एब्सोल्युटली. तो चलें जी, पुणे वाले जमा गए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, धन्यवाद. बल्कि आज जो है वो हम कुछ उपयोग करेंगे और हिंदी का अपनी बड़ी कठिनाई होगी हमें यहाँ पर, लेकिन आप हमें उम्मीद है कि आप हमारी सहायता करेंगे अनल साहब. जरूर. देखिए दोस्तों, उरुज जी आज इतनी शुद्ध हिंदी में बात कर रही है ना, तो मैं हमेशा इनको कहता कि उरुज जी आप ऐसे शो करते नहीं कि दैट विल बी इंस्पिरेशन फॉर मी. चीनी साहब इज गोइंग टू बी डेस्टिनेशन फॉर मी, और आप श्रोतागण जो है दैट इज गोइंग टू बी इमेजिनेशन फॉर मी. तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सामने ऐसा संगीत लेके आओ कि बस हम तीनों के शो आप सुनते रहिए और पूरे दिन में उसका आनंद लेते रहिए. आनंद लेते रहिए. यस, इंस्पिरेशन और वहां डेस्टिनेशन, और बीच में क्या होगा जो हमारे श्रोतागण जो है लिसनर्स, देयर विल बी माय इमेजिनेशन. इमेजिनेशन, वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे. और सुन रहे हैं आप अनल आप्टे साहब को NRRJ इन फोकस, जो कि आज से शुरू करेंगे अपना प्रोग्राम राइट हियर ऑन फनीशिया रेडियो 700 AM. और बातें भी इनसे हम करेंगे. लेट्स फर्स्ट टेक कॉलर, शायद कोई स्वागत करना चाहता हो आप्टे साहब का. जी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हाँ जी बताइए, स्वागत करना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं अनिल को बधाई देना चाहूंगी कि वो प्रोग्राम अपना शुरू कर रहे हैं, और उनकी हिंदी पहले से काफी अच्छी हो गई है. पहले नहीं अच्छी थी. अनिल आप जो कह रहे हैं मेरी हिंदी अच्छी नहीं, पर पहले तो आप मराठी बोलते थे. फनीशिया दुश्मन तो नहीं,
दुश्मन तो नहीं मगर हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्त दी You're listening to Funasia Radio 700 AM, bringing the community together with your mezban Uruj Saeed. And aaj hain hamare mehman atithi Anul Apte Sahab, aur rahenge yahan par 12 baje tak. Aur aap soch rahe honge 12 baje tak kaise rahenge? Well, yahan par hamare saath jo hain hamare atithi honge 10 baje tak. Uske baad 10 se 12 baje tak aaj apna program shuru karne ja rahe hain. Right here on Funasia Radio 700 AM sun payenge aap inko every Monday, every single day, 5 days a week, Monday through Friday on 700 AM from 10 to 12. और इनके जो हैं वो गाने जो जो शो ये करेंगे राग रागों के ऊपर बेस्ड होगा, राइट अनासा? ये कोशिश रहेगी कि देखिए हमारे पूरी जिंदगी में संगीत भरा हुआ है. आप बोलती है कि आप सुर में नहीं है, अगर सुर में नहीं है तो सुर में ये जो आप शो कर रही है ये सुर में ही है ना. मुझसे पूछा अनिल साहब ने कि जो है आप गाती हैं, मैंने कहा नहीं जी हम सिर्फ रोते हैं. हमने कहा लेकिन शौक बहुत है मुझको और कभी कभार हम शुरू भी कर देते हैं लेकिन सुर जो है ना वो नहीं है. सुर है ना ताल है, लेकिन कभी कभार थोड़ी से तुकबंदी. मेरा मेरे मेरा जो विचार है अलग सा है कि देखिए हम बात करते हैं तो लय में बात करते हैं तो ताल होता है. जब हम घबरा जाते हैं या कभी प्यार में फंस जाते हैं तो हम जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, लय बढ़ जाती है. होता है ना? बिल्कुल. अभी भी हम दोनों बात कर रहे हैं वो भी सुर में है ना. हाँ हाँ. कभी हमारा गला बैठ जाता है या कभी बुखार आ जाता है या हम नाराज हो जाते हैं, हमारा सुर बदल जाता है ना बोलने. हाँ सही सही. तो वो सुर वो... है ना. तो पूरे जिंदगी में सुर ताल लय है. अच्छा. होनी ही चाहिए. हाँ. तो लेकिन हाँ गाने की हद तक जो है वो मतलब बोलने की हद तक है सुर, लेकिन जो है वो जैसे आप पूछ रहे थे कल भी आपने पूछा था कि कोई क्रिएटिविटी है यू नो हो नहीं सकता. आप जो है वो कोई कोई चीज क्रिएटिव जरूर करती होंगी. हमने कहा बस ये जो करते हैं अपना प्रोग्राम ये, वरना तो ड्रॉइंग अगर आप पूछे ना कि आर्टिस्टिक, यू आर आस्किंग इफ यूर यू नो आर्टिस्टिक, तो हमने कहा आप स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते. नॉट आर्टिस्टिक एट ऑल. पर जी हाउ वुड यू डिस्क्राइब आर्ट? बिकॉज God has given each one of us something special. कुछ लोगों को वो समझ जाता है, कुछ लोगों को उसकी पहचान नहीं होती. लेकिन that is our expression. If you continue to do that, ये जो रेडियो शो आप कर रहे हैं, कल का शो इतना जबरदस्त था. अरे आपको हाँ जो था वो शुक्रिया बहुत बहुत for your great comments on the show as well. Enjoy किया आपने कल? Oh man, all throughout. I was driving on 635. It was a parking lot. And normally, when you get on in that traffic jam situation, you are frustrated. For a single moment, I was not frustrated because I enjoyed the show thoroughly. And मैं चाहता हूँ या आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब हम मर लोगों के लिए करेंगे, I would like to be part of that show. I would like to join you. Absolutely, and you're welcome. बिल्कुल. हम एक हमने कल जो था वो परफेक्ट मैन बनाया, तो एक हम परफेक्ट लेडी बनाएंगे. एंड यू नो पूरा पूरा मौका दिया जाएगा जो है वो यू नो द गाइज इज वेल टू मेक द परफेक्ट लेडी इफ ओनली इन इमेजिनेशन. सी कितने लोगों ने आपके कंट्रीब्यूट किया. Absolutely. They were all artists. Their expression, they created the man out of their imagination. Isn't that art? That is art. Absolutely. You create, and that is as you know, they can get creative and imaginative with their thought. Yes. And that is also a part of the manifestation of art. I'm so glad, so proud that हमारे जो listeners हैं, just imagine कितने artist हैं. उनमें कितना टैलेंट है. अदरवाइज दे वुड नॉट हैव कॉल्ड यू ऑन योर शो. नहीं हमारे जो है वो आपको जो है ना वो अंदाजा होगा वंस यू स्टार्ट टेकिंग कॉलर्स ऑल्सो कि हमारे जो है बहुत जबरदस्त और बहुत यू नो कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है हमारे जो लिसनर्स हैं और जो कॉलर्स हैं व्हेन दे यू नो कॉल एंड कंट्रीब्यूट दिस. वी हैव सम वंडरफुल यू नो लिसनर्स एंड कॉलर्स एज वेल. और मुझे लगता है कि यहां पर भी कोई कॉल कर रहे हैं, तो चलें एक आध कॉल ले लेते हैं और देखते हैं इनको क्या कहना है. स्वागत में आपटे साहब की. गुड मॉर्निंग. हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर प्राजक्ता. जी कैसी हैं जी? नमस्कार. पहले फनेशिया का अभिनंदन क्योंकि ये प्रोग्राम आई वाज जस्ट मिसिंग यू नो, क्योंकि मैं खुद एमबीबीएस डॉक्टर होके भी मैं संगीत विशारद और गीत प्रवीण किया है थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ.
और प्रकाश जांगरेकर जी का अनिल आप्टे को शायद मालूम होंगे, मैं उनकी शिष्या हूँ. तो आई हैव डन गांधर्व महाविद्यालय दिस थिंग. तो लिटरली आई वॉज मिसिंग दिस ऑल क्लासिकल संगीत ओवर योर लास्ट ईयर वेन आई कैन दैट टाइम आई थिंक करिश्मा वॉज कंडक्टिंग राग विराग. बट अच्छा हुआ कि अनिल आप्टे जी ने शुरू करने का, बहुत आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. और हम भी कुछ हो तो सुना सकती हूँ मैं सुरबल्ला. इनके शो में आज जो है वो 10 बजे के बाद हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर साहिबा, जरूर आइएगा. हाँ. और इनके शो में जो है वो आप कुछ सुनाइएगा. जरूर. ठीक है. और ये जो जिनका जिक्र करी थी आप जानते हैं जी, कल भी इनको सुना था हमने. तो यही बात हम कर रहे थे कि देखो हमारे लिसनर जो थे कितने आर्टिस्टिक टैलेंट वाले हैं. वी हैव गॉट अ मॉन्यूमेंटल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस नाउ. एब्सोल्युटली. बिल्कुल. और जो है वो आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू एंजॉय द पीपल दैट एंजॉय द यू नो क्लासिकल म्यूजिक, वो आपका जो है वो शो बहुत एंजॉय करेंगे. आज मदन मोहन साहब की जो है वो वैसे बरसी है. हाँ, आज है, आज है, है, है. दो, पिछले दो दिन से तो जो है हमें मना दी थी कि जो है मदन मोहन के गाने नहीं लगाना. यू आर गोइंग टू हैव सच अ गुड टाइम आप्टे साहब, यू नो. क्योंकि मेरा जो है ना वो इतना कंफ्लिक्टिंग नहीं होता, बिकॉज मेरा दो घंटे पहले खत्म हो जाता है प्रोग्राम उनसे ना. लेकिन आप यू आर राइट बिफोर हिम, सो गुड लक. क्या है ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपका शो का नेचर पूरी तरह से अलग सा है, हंसी मजाक वाला होता है. सो दैट्स इंस्पिरेशन फॉर मी, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ लिटिल सीरियस नेचर पर्सन एंड मैं कोशिश करता हूँ कि मुस्कान आए चेहरे पे. तो दैट्स द रीजन आई सेड इंस्पिरेशन. हम तो हमारा जबड़ा दुख जाता है यहाँ पर हंसते हंसते अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो. बट जो है वो बट द म्यूजिक जो है वो जरा चेक कर लीजिएगा. डेफिनेटली. रोज अभी जो है वो इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं पहले से. देखें हम जो है ना वो कौन सा उनका होता है मंडे ट्यूजडे को एक अजीम फनकार. अजीम फनकार जब होते हैं तो वो अजीम फनकार के कोई गाने नहीं लगाएंगे. ठीक है आप. मैंने अच्छा ठीक है, एक दिन ऐसा करेंगे. हाँ. हम दोनों उनकी मुलाकात लेंगे. उनकी तो यू नो हिज जो है वो ड्यू है. और उनसे मैंने कहा था कि चीनी साहब जो आपका जब हम इंटरव्यू करेंगे तो मुझे ज्यादा प्रिपेयर होके आना पड़ेगा. यू नो माशाल्लाह ही इज यू नो जस्ट अ वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. एब्सोल्युटली. और बहुत मजा आता है उनके प्रोग्राम में भी. और जो है वो अनिल आप्टे साहब के जो प्रोग्राम में भी आई एम श्योर द पीपल हु एंजॉय क्लासिकल म्यूजिक आर गोइंग टू एब्सोल्युटली हैव यू नो वंडरफुल टाइम लिसनिंग टू हिज म्यूजिक इज वेल हियर. एंड देखते हैं यहाँ पर कॉलर्स हैं कुछ. लेट्स टेक दम ऑन द एयर एंड सी व्हाट दे हैव टू से. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जी. नमस्ते जी. कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. ये हमारी ममता जी हैं आप्टे साहब. नमस्कार जी. मैं वेलकम करती हूँ अनन्य जी को. जरूर. नमस्कार. आपका शुक्रिया. नमस्ते. आपका नाम अनन्य है कि आनंद? अनल. अनल. अनन्य. या मेरे भतीजे का नाम अनन्य. अनन्य नहीं, अनल. अनल. अनिल होता है ना जैसे अनिल. अनिल. अनन्य. नहीं नहीं, अनन्य नहीं है. अनिल में यू लगा दें. अनल. अनल. अनन. अनल. आप जो आपको जो पसंद आएगा मुझे चलेगा, क्योंकि आपका नाम ममता है तो आप जो बोलेंगे वो प्यार से ही होगा. ऐसी बात नहीं है, सही नाम जानना बहुत जरूरी है. एटलीस्ट कम से कम हम लोग 10 o'clock कुछ और भी म्यूजिक अच्छी तरह से सुनेंगे और बातें करेंगे, इसलिए बहुत खुशी है. जरूर. वेलकम. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. और जो है चले जी, आपका हो रहा है स्वागत ऑन 700 AM. लेट्स टेक अनदर कॉल. गुड मॉर्निंग. Good morning. I just switched on the radio and wanted to know who this Mr. Anil gentleman is. I mean, हाँ जी, ये हमारे जो हैं न्यू आरजे हैं. ही इज गोइंग टू स्टार्ट हिज शो टुडे फ्रॉम 10 to 12. आज हमारे बाद जो है ना वो दो घंटे जो था अभी तक ओपन था फॉर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स. सो ही इज गोइंग टू बी आर न्यू रेडियो शो होस्ट फ्रॉम 10 to 12. ओके. ठीक है. यू वेलकम. यस. और चलें जी, आपका इंट्रोडक्शन भी अच्छे से हो गया वैसे जो है वो. और 10 बजे तक हम कंटिन्यू रखेंगे अपना प्रोग्राम. अनिल आप्टे साहब को आप सुन सकते हैं 10 बजे से आज राइट हियर ऑन फनीशिया रेडियो 700 AM. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ बताएंगे लोग आपके शो से? हाँ, ये ऐसा शो रहेगा कि संगीत जो है तो पूरे संगीत के कितने प्रकार में, कोई एक राग लीजिए जैसे भैरवी है या मालकम्स है, दरबारी कानड है. तो मैं जानता हूं कि फनीशिया के जो सुनने वाले जो श्रोतागण है उनमें से यंगस्टर्स बहुत है. और जो यहां पैदा हुए जो देसी अमेरिकन्स जो है उनमें भी इतना टैलेंट मैंने देखा है कि वो भी ये जानते हैं. और कुछ लोग अच्छे वादक हैं, गायक हैं, कि जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या हिंदुस्तानी सेमी क्लासिकल भी बहुत अच्छी तरह से गाते हैं.
तो उनके सबके लिए मेरी ये कोशिश है कि ऐसा संगीत लेके आओ कि बस 7 बजे से इन्होंने अगर 700 AM को ट्यून कर लिया तो 3 बजे तक सेटे आप ये मेरी कोशिश रहेगी नहीं तो क्या उसके बाद जो है वो मोनिका का क्या कसूर है 4 से 7 बजे वो भी करती है और 7 से 9 बजे जैन और 9 से 12 जो है वो 9 से 10 आरोही 10 से 12 मोनिका जी का तो अपना ऑडियंस फिक्स्ड है राइट आई टू क्रिएट माई ऑडियंस दैट्स द रीजन आई हैव सैंडविच बिटवीन 7 से 3 बजे तक आप सुनिएगा उसके बाद जो है वो बंद करके बैठ जाइए आपको इसके बाद कहीं और भी स्विच कर सकते हैं हम चाहते हैं कि आप एडिक्ट हो जाएं जो है वो रेडियो सुनते रहें 24 घंटे और हमें जो है वो यहाँ पर वेल यू नो वी इंट्रोड्यूस वन न्यू आरजे टू यू न्यू से हमारी मुराद है वेल आज तो वाकई जो है वो न्यू आरजे हैं हमारे अनिल आप्टे साहब जो कि आज हमारे साथ जो है वो शुरू करेंगे प्रोग्राम ऑन फनेशिया रेडियो 10 से 12 बजे तक राइट हियर ऑन 700 AM और बाकी होता क्या है अनिल साहब वी गेट दी existing RJs उनका जो है हम यहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं एंड आई टेल यू दिस इज अ वेरी मतलब काफी पॉपुलर हो गया विद द RJs यू नो एंड लाइन में लगे हुए हैं कि हमारी बारी कब कब आएगी तो यू नो इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी आल्सो वी स्टार्टेड अल्फाबेटिकली नहीं एक्चुअली इट वाज़न्ट डन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर इट वाज़ जस्ट बेसिकली क्योंकि ये टाइम होता है सम ऑफ देम वर्क इन द मॉर्निंग्स यू नो तो व्हाटएवर देयर स्केड्यूल इज लेकिन आज हमने खासतौर से आपके लिए अलॉट इसलिए किया बिकॉज आज आप शुरू भी कर रहे हैं तो हमने सोचा कि हमारे प्रोग्राम से शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा जैसे मैंने कहा ना कि मुझे गाना और खाना दोनों में बहुत रुचि है तो व्हेनेवर समबडी इनवाइट्स मी एंड पीपल आर स्टैंडिंग इन लाइन नॉर्मली आई एम द फर्स्ट वन बिकॉज दे से यू हैव टू स्टार्ट अल्फाबेटिकली सो ये खुशी है कि आज भी आपने अल्फाबेटिकली शुरुआत कर दी है और अगर आपने खाने की बात की ही है तो ऐसा करेंगे ब्रेक के बाद आके जो है वो कुछ आपके यू नो वील टॉक अबाउट दैट इज वेल यू नो सम ऑफ योर हॉबीज योर इंटरेस्ट एंड जो है वो मतलब आपने कहा इंटरेस्ट आपका जो है वो खाने में है तो उसकी जो है वो भी बात कर लेंगे एंड वील टॉक टू मिस्टर अनिल आप्टे आफ्टर द ब्रेक इज वेल So stay tuned right here on Funasia Radio 700 AM with me your mezban Uruj Saeed in our program Udan Khatola jisme ki Wednesday ke din hota hai hamara segment RJ in Focus listening to Funasia Radio 700 AM bringing the community together main hu aapki mezban Uruj Saeed daur rahenge aapke sath for another few minutes here till 10 AM aur jiske baad aaj ek naye RJ honge yahan par 10 se 12 baje tak aur inse bhi abhi baatein karte hain but first let me 358-0420 and thank you very much for all that information Shahzad sahab aur abhi hum continue rakhte hain apna thoda sa aur time hamare paas hai yahan par Mr. Anul Apte sahab jo ki 10 baje ke baad inhi ko aap sunenge bas yahan par 10 se 12 baje tak ab Apte sahab ka raj rahega sir aapka jo hai wo kya kehna hai iske acha first of all let me ask you aapke program ka naam kya hai jisse maine kaha na ki mere jo listeners honge they will be my imagination so I will really appreciate if they call in and suggest name acha so usme se hum acha jo naam hai wo chun lenge ye aapne jo hai ye acha kiya I think that is great and inviting listener participation exactly isse acha jo hai wo matlab cheez ho hi nahi sakti thi ki shuru mein hi aapne ji ha because I want them to suggest so that will be really appropriate because they are my imagination so I'm going to completely rely on their imagination all right so imagination ka jo show hoga imaginative show hoga jo ki ye kehte hain ki hamara inspiration hai aur chini sahab ka destination okay aur aapka jo hai wo hoga imagination to chale इमेजिनेशन जो इनका शो होगा 10 से 12 बजे तक आज से शुरू करेंगे 700 AM पर मंडे थ्रू फ्राइडे सुन सकते हैं आप अनिल आप्टे साहब को जो कि जिनका बहुत टेस्ट खुद जो है आपका म्यूजिक में बहुत वेरिड है लेकिन हाँ, आपका शो जो है इट्स गोइंग टू बी मोस्टली अबाउट ड्रग्स
राग रागों के ऊपर आधारित जैसे हिंदी फिल्मों के गाने हैं वो भी कोशिश रहेगी. हिंदी फिल्मों के गाने भी होंगे? बिल्कुल. अच्छा, बिल्कुल. या दैट विल बी द मेजर थिंग. यस, क्योंकि ऐसा है ना कि कुछ लोग जो ऐसे दे एंजॉय हार्डकोर क्लासिकल एट द सेम टाइम वी हैव मोर लिसनर्स फॉर द सेमी क्लासिकल. सो आई वांट टू टेक एवरीवन बिकॉज एज यू से ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. सो संगीत के लिए भी वही होना चाहिए. आप भी यही कहेंगे, ये हमारा स्लोगन है, आपको पता है. एग्जैक्टली. तो संगीत के लिए भी देखिए ऊपर लिखा हुआ. हाँ बिल्कुल, फनीशिया रेडियो 700 AM ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. और उसके बाद जो है वो क्या कहा था आपने, मेजबान को जो है यजमान. ठीक है, यजमान के. अच्छा, दैट ब्रिंग्स मी टू हमारा, आपको पता है मंडे का शो जो है वो होता है अबाउट वर्ड्स, वर्ड गेम होता है हमारा. एंजॉय करते हैं प्रोग्राम जो है वो, डिफरेंट हमारे जो सेगमेंट्स हैं. मंडे के दिन आपको हम जो है वो न्योता देते हैं. हाँ, न्योता. दिस इज दीज वर्ड्स, यू नो, दे आर समवेयर इन माय मेमोरी. ठीक है, दे जस्ट, इट नीड्स टू बी रिकिंडल्ड. मैंने आपको बोला ना कि आप मध्य प्रदेश में रहिए. हाँ, मध्य प्रदेश की जो मीठी जुबान है वो आपके पास है. मेरी अम्मी है ना, माय मदर इज फ्रॉम भोपाल. तो वहां की जो है उनकी, हाँ, थोड़ी सी हमने बोरो की है. खुद तो हम नहीं रहे इंडिया में, पर वहां अम्मी जो है हमारी मध्य प्रदेश. माई फादर वॉज फ्रॉम यूपी, अलीगढ़. तो लेकिन कराची में की अच्छी उर्दू की जुबान आ गई. हमें उर्दू घर में सिखाई गई, आपको पता है. आपके साहब हिंदी हमने स्कूल में सीखी. One of the most beautiful languages in the world. बिल्कुल, आप बहुत खूबसूरत जबान उर्दू भी और हिंदी भी. Oh, yeah. हिंदी बहुत मीठी बोली है, बहुत जो है वो उसकी जो है ना वो शुद्ध भाषा, स्पेशली जो कि संस्कृत मानी जाती है, वो भी उसमें इतना अच्छा लगता है. स्पेशली आप, यू नो, वंस यू गेट फेमिलियर विद द लिसनर्स, ममता जी जो आई थी वो सुनाती हैं कुछ, यू नो, अपना शी हैज अ स्पेसिफिक वे ऑफ रिसाइटिंग दीज थिंग्स. वो हिंदी में, संस्कृत में सुनाती हैं, यू नो. तो आई एम श्योर आपके शो में भी जो है वो, यू नो, जरूर आएंगी. और शो जो है इनका आज से शुरू हो रहा है. शो का नाम आप कह रहे हैं, यू विल इन्वाइट पीपल टू कम एंड सजेस्ट. ठीक है, वंडरफुल. और ग्रेट, वंडरफुल टू हैव यू. और इनके प्रोग्राम के बारे में जो है हमने थोड़ा सा आपको जो है वो बता दिया. वी आर नॉट गोइंग टू, यू नो, कम्प्लीटली ऑफकोर्स ब्रेक द सस्पेंस जो है, जो कि मतलब इनके प्रोग्राम में ही आप 10 बजे के बाद सुन सकते हैं. और ये इंट्रोड्यूस करेंगे अपना प्रोग्राम आज जो है. वॉट आर यू गोइंग टू, यू नो, टॉक अबाउट, क्या टेस्ट देंगे लोगों को आज रागों के बारे में? सस्पेंस तो कुछ रखना नहीं चाहता, लेकिन देखिए, संगीत, कोई भी संगीत सीखता है तो पहला जो राग होता है यमन कल्याण, उसके तो बारे में बात करेंगे. यमन कल्याण के बारे में थोड़ा बातें करूंगा और उसके ऊपर जो आधारित गाने हैं उसके उसको पेश करूंगा. ग्रेट, वंडरफुल. तो सी, नाउ पीपल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. एंड यमन कल्याण के जो है वो गाने, लेकिन हाँ, मदन मोहन के फिल्मों के तो नहीं है गाने. जरूर है. चलो, लेकिन आज वेंसडे है तो आज वेंसडे है. और आज उनको तो आई हैव टू पे रिस्पेक्ट टू हिम, व्हाट अ ग्रेट मैन. और हाँ बिल्कुल, देनी चाहिए, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. उनकी जो बरसी है, 2 दिन चीनी साहब ने प्रोग्राम किया और आज जो है वो मुझे उम्मीद नहीं, आई एम प्रिटी श्योर ऐसे गाने लगाऊं कि बाद में चीनी साहब भी अपने प्रोग्राम के इसका जिक्र करेंगे और मुझे बोलेंगे कि अनिल अच्छा काम किया तुमने. हाँ, नहीं नहीं, इंशाल्लाह. एंड दैट, यू नो, कमिंग फ्रॉम हिम, इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट, यू नो, जब यू नो, जाहिर इतने सीनियर जो है हमारे आर्टिस्ट ही कहना चाहिए, फनकार हमारे चीनी साहब. तो अनिल आप्टे साहब जो है, लेट मी टेल यू वंस अगेन, इज गोइंग टू बी हियर फ्रॉम 10 to 12 एवरी डे, मंडे थ्रू फ्राइडे करेंगे अपना प्रोग्राम 700 AM पर. चले जी, ऐसा करते हैं कि कॉलर लेते हैं, देखते हैं इनको क्या कहना है, फिर उसके बाद विल रैप अप आवर उड़न खटोला, जिसका मतलब आपने पूछा था, अभी हम आपको बताते हैं. गुड मॉर्निंग, यू आर ऑन द एयर. गुड मॉर्निंग अरुण जी. हाँ जी, कैसे हो? फर्स्ट क्लास. अच्छा, सो कपल ऑफ थिंग्स. अनिल जी ने कहा कि लिसनर शुड गिव हिम द नेम, बट ही इज नॉट गिवन अ प्लेस वेयर दे कैन कॉल एंड गिव हिम द नेम. राइट हियर. वो एक बात है. और दूसरी, यू नो, ही सेड कि फर्स्ट राग होता है यमन कल्याण. एंड आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि जो फर्स्ट होता है वो यमन होता है. एंड इट्स ऑल्सो दैट सेम राग इज ऑल्सो कॉल्ड कल्याण. यमन कल्याण एक थोड़ा मोर एडवांस राग है. सो यमन हैज जस्ट वन तीव्रमा
और यमन कल्याण है शुद्ध एम तीव्रमा. तो जो फर्स्ट सिखाया जाता है वो यमन और दूसरा नाम कल्याण है. सही, सही है, आपने बहुत सही बात कही. आई लुक्ड एट हिज एक्सप्रेशन एंड आई लाफ्ड, डिडंट मीन टू. बट गौरवी, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे ये जो बहस है ना, अगर आप 10 बजे के बाद कंटिन्यू रखें, बिकॉज हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म होने को है. यू नो वी जस्ट हैव अबाउट अ मिनट एंड अ हाफ टू गो हियर. 10 बजे के बाद राइट हियर ऑन 700 AM आप सुन सकते हैं अनल आप्टे साहब को मंडे थ्रू फ्राइडे. आज से शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रोग्राम, तो हमने सोचा आज इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं अब आपको आरजे इन फोकस में. एंड दिस कॉन्वर्सेशन कैन बी कैरिड ऑन आफ्टर 10 AM की ब्रेक के बाद. जब ये अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे तब आपसे सजेशंस भी लेंगे इनके प्रोग्राम के नाम के बारे में. बिल्कुल सर? बिल्कुल सही है. ठीक है, एंड वंस अगेन स्वागत है आपका सर. बिल्कुल, धन्यवाद आप सबका और गुरु जी आपका. ऐसे इंस्पिरेशन देती रही है. और जो नाम के बारे में है तो उरुज जी के शोक के ऊपर आकर भी आप बता सकते हैं कि कौन सा नाम सही रहेगा, क्योंकि शी मंडे को शी कंडक्ट्स दैट शो विद द वर्ड्स. मंडे के जो है वो हाँ फिर नामों के उसके ऊपर, बल्कि इनफैक्ट यू नो वी लेट द लिसनर्स नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू मंडे को. थोड़ा सा जो है ना वो प्रोग्राम डिफरेंट होगा, पर अभी जो है वो अनफॉर्चुनेटली वी आर आउट ऑफ टाइम. आपसे तो लोगों की मुलाकात हो जाएगी आफ्टर द ब्रेक, लेकिन हम लेते हैं आपसे इजाजत. मुझे अपनी मेजबान उरुज सईद को इजाजत दीजिए. उड़न खटोला का, हाँ उड़न खटोला को देखा जी, टेक ऑफ करने का टाइम हो गया है. तो मिलेंगे आपसे हम कल इन आ प्रोग्राम उड़न खटोला. एंड इसी के साथ इजाजत लेती हूँ. कल इंशाल्लाह रोम के बारे में बात करेंगे. यस, टुमारो द सिटी इन फोकस इज गोइंग टू बी रोम, इटली. वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दैट टुमारो फ्रॉम 7 AM ऑनवर्ड्स. स्टे ट्यून्ड टू फनीशिया रेडियो 700 AM. This is KHSC AM 700, Wiley, Dallas, Fort Worth, Texas, a presentation of Tara Energy, Funasia. Believe it or not, Indo-Pak and India Import Supermarket in Plano on the southeast corner of Spring Creek and Custer are offering these prices today. Fresh